हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पे मेरी जो है चाउमीन बन के रेडी हो चुकी है और मैं जा रही थी बच्चों को सर्व करने के लिए। तो रेसिपी आप लोगों के साथ इसलिए नहीं शेयर की है क्योंकि मैंने अभी एक दिन और बनाई थी, तो रेसिपी शेयर करी हुई है इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है। तो मैं जा रही थी बच्चों को देने के लिए, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को चाउमीन जो है सर्व कर देते हैं। और आप लोग बताइएगा कि कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे खांसी में भी थोड़ा सा रिलीफ है, काफ़ी ठीक है। और देखती हूँ बच्चों को, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में, ठीक है? अभी मिलती हूँ। और घर में ज़्यादा कुछ सामान था नहीं, मार्केट से ला नहीं सकते थे क्योंकि आप लोगों को पता ही है यहाँ पे थोड़ा बहुत जो गिर गया है मैं उसको साफ करते जा रही हूँ साथ के साथ में, तो मार्केट से ला नहीं सकते थे। और जितना था फिर मैंने उसमें से ही बना लिया क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है जितना है उतने से ही कर लेती हूँ। तो कैमरा गड़बड़ हो गया होगा क्योंकि मैं यहाँ पे जितना गिर गया है वो मैं क्लीन कर लूँगी, उसके बाद जो है बच्चों को दे दूँगी ताकि साथ के साथ सारा कुछ क्लीन होता जाए। तो चलो फिर पहले फटाफट से बच्चों को सर्व कर देते हैं। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए और बताइएगा कि कैसे बन गए। फिर धोने हैं मुझे बर्तन और यहाँ जो फैल गया है वो झाड़ू वगैरह करूँगी, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? सो फैमिली, अभी जो है हम लोगों का खाना पीना हो चुका है। मैं बैठी हुई थी बाहर, बाल खोल लिए हैं क्योंकि थोड़ी सी मैंने कहा बाल खोल लेते हैं, और बाहर बैठी हुई थी सोचा बातें कर लेती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी, काफ़ी टाइम हो गया अच्छे से बातें नहीं करी खुल के। और आप लोगों को रोड दिखाऊंगी, हम बिल्कुल सुनसान है, एक दो बाहर निकल रहे हैं, वैसा कुछ भी निकल रहा है। अदिति यहाँ खड़ी हुई है, हम दोनों बैठे थे, बाकी कोई नहीं है। एक तो यहाँ पे कॉलोनी है, मतलब ऐसी घर ही नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो सोशल डिस्टेंसिंग पे है, कोई बाहर नहीं है, सिर्फ मैं बाहर हूँ, अदिति बाहर है। और रोड से एक दो ऐसे ही बाहर निकल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। आज पता है आप लोगों से एक बात भी करनी थी, जब हम लोग जो है इनको दवाई लेने के लिए गए थे इनकी, क्योंकि इनकी जो है मलेरिया के इंजेक्शन पूरे हो गए हैं, जो 7 दिन का उन्होंने डोज दिया है, मतलब एंटीबायोटिक गोली दी है रात में खाने के लिए कि रोज़ रात में एक ही खानी है। तो यहाँ तो वो लेने के लिए गए हुए थे, तो लोगों का पता है क्या करते हैं, मास्क लगाते हैं कितना, जैसे ही देखते हैं कि सामने पुलिस दिख रही है तो उस टाइम जो है मास्क लगा लेंगे, फिर आगे निकलेंगे तो मास्क निकाल देंगे। तो पुलिस के डर से मास्क लगाते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी ज़िंदगी के डर से मास्क लगाएं। इसलिए नहीं लगाते हैं कि हमारे घर में हमारे माँ बाप भाई बहन पत्नी बच्चे सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए हम मास्क लगाए, नहीं पुलिस के डर से लगाते हैं। तो पुलिस का कौन सा ऐसा वो है, वो तो उनकी ड्यूटी है कि उनको देखना है कि सारा कुछ प्रॉपर ठीक ठाक से चल रहा है नहीं चल रहा है, वरना उनका क्या है, मास्क लगाओ आप नहीं लगाओ जो आपकी मर्जी हो वो आप करो, लेकिन उनको इतनी ड्यूटी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए वो लोग जो है आप लोगों से बोलते हैं। वरना उनके डर से मत लगाओ आप मास्क, अगर आप लोग जो है पुलिस के डर से मास्क लगा रहे हैं तो उनके डर से मत लगाओ, क्योंकि उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ़ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जो उनको शासन ने दी हुई है। बाकी जैसे हम लोग नॉर्मल जनता हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी खुद ही निभानी है, हमें खुद ही देखना है कि हमारे घर में फैमिली है, हमें कोई भी बीमारी ना हो, हम किसी भी चीज़ से परेशान ना हो। तो क्या है, बीमारी होंगे तो हर चीज़ से हमें ही दिक्कत होगी, किसी दूसरे को दिक्कत नहीं होगी। तो पुलिस के डर से नहीं, अपनी खुद की ज़िंदगी के डर से जो है मास्क लगाइए। और मैं अपील करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग जो है अपनी खुद की ज़िंदगी के लिए जो है मास्क लगाइए। ऐसा नहीं कि पुलिस को देखा मास्क लगा लिया, पुलिस से जैसे ही निकले तो फौरन जो है मास्क निकाल लिया, उनका कुछ नहीं जाना है, वो तो उनको तो सैलरी मिल रही है पर्याप्त, और वो तो अपनी जान हथेली पे लेके घूम ही रहे हैं, हम लोगों के लिए ही घूम रहे हैं, लेकिन कम से कम हमें भी थोड़ा सा वो करना है, वरना इस तरीके से जो है वायरस जाएगा नहीं तो हम लोग इसी तरीके से घर में कैद होके रह जाएंगे। कुछ कैदी जेल में है और कुछ हम घर के अंदर कैदी है, कोई जुर्म नहीं किया है फिर भी घर के अंदर कैद है ना।
चलो तो फिर इस वीडियो का कर देते हैं एंड। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। क्या कहते हैं, वहाँ तक नहीं दे रहा था, इतनी तेज़।